मानिक साहा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके कैबिनेट के मंत्री भी आज शपथ लेंगे। अगरतला स्थित राजभवन में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य दोपहर 12 बजे साहा कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मानिक साहा कैबिनेट में बिप्लव देव मंत्रिमंडल के मंत्रियों को स्थान दिया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा, रतनलाल नाथ, प्राणजीत सिन्हा रॉय, मनोज कांति देव, सांतना चाकमा, राम प्रसाद पॉल, भगवान चरण दास, सुशांत चौधरी, रामपद जमातिया और आईपीएफटी कोटे से एनसी देव वर्मा और प्रेम कुमार रियांग मंत्री पद की शपथ लेंगे। और यहां बता दें कि बिप्लव देव के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कल डॉक्टर मानिक साहा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज उनके मंत्रिमंडल के मंत्री शपथ लेंगे। तो बता रहे इस वक्त त्रिपुरा से आ रही बड़ी खबर, मानिक साहा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज उनके कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। अगरतला स्थित राजभवन में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य दोपहर 12 बजे साहा कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मानिक साहा कैबिनेट में बिप्लव देव मंत्रिमंडल के मंत्रियों को स्थान दिया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा, रतनलाल नाथ, प्राणजीत सिन्हा रॉय, मनोज कांति देव, शांतना चकमा, राम प्रसाद पॉल, भगवान चरण दास, सुशांत चौधरी, रामपद जमातिया और आईपीएफटी कोटे से एनसी देव वर्मा और प्रेम कुमार रियांग मंत्री पद की शपथ लेंगे। और यहां बता दें कि बिप्लव देव के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कल डॉक्टर मानिक साहा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज उनके मंत्रिमंडल के मंत्री शपथ लेंगे। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर पिनाकी दास। पिनाकी, आपसे जानना चाहेंगे आज किस तरह की वहां तैयारी देखी जा रही है। देखिए, राजभवन में तो कल जो तैयारी था वो तो है ही, पर आज नया जो है ये है कि इसमें दो परिवर्तन है। एक है जो पुराने मंत्री थे आईपीएफटी की तरफ से मेवर कुमार जमातिया, उनको उनको हटाया गया है, क्योंकि कल एनसी देव वर्मा जो सुप्रीमो है एंड फाउंडर ऑफ आईपीएफटी बीजेपी के अलायंस पार्टनर, तो उन्होंने क्लियर कट बताया कि मेवर कुमार जमातिया ने जो उनके आरोप जो है वो है एंटी पार्टी एक्टिविटी, और क्योंकि वो आईपीएफटी को और उसके उस पार्टी को सिप्रा मोथा के साथ टोटल मर्जर करना चाहते थे, जिससे आईपीएफटी डिसॉल्व हो जाता और सिप्रा मोथा नाम से एक ही पार्ट जनजाति पार्टी रह जाता। तो इसको लेके हमें जहां तक खबर मिला है आईपीएफटी ने ड्रॉप किया है मेवर कुमार जमातिया के ना, उनके जगह पे ही प्रेम कुमार का नाम आया है। और दूसरी परिवर्तन है, एक नया मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि एक खाली था वहां पे मंत्री का पोस्ट, तो उसमें आईपीएफटी दावा कर रहे हैं कि हमें दीजिए कि हमारा दो ही है, तो हमें और एक मिलना चाहिए, पर उस जगह पे डीजीपी ने अपना कैंडिडेट रामपद जमातिया, वो जनजाति के बड़ा नेता है, उनको वहां पे रखा गया। ये परिवर्तन है, बाकी सारे मंत्री वही है, पुराने मंत्री है, क्योंकि आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले 8-9 महीने में मैक्सिमम इलेक्शन होना है त्रिपुरा में, और इस टाइम में एक नया मुख्यमंत्री आए हैं और मंत्री को भी अगर परिवर्तन करते हैं तो सत्ता चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि नया मंत्री लेके जब तक समझेंगे कि उनका डिपार्टमेंट, तब तक इलेक्शन आ जाएगा, इसमें बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने पुराने जो मंत्री हैं उनको उनका डिपार्टमेंट रखे हैं और मुख्यमंत्री परिवर्तन हुए हैं, वो शायद उनके अंदर जितने डिपार्टमेंट्स है, जिसको लेके बार बार बिप्लब देव के अगेंस्ट में भी आ रहा था, इतने सारे डिपार्टमेंट्स क्यों बिप्लब देव अपने हाथ में रख दिए, और लास्ट में दो नए मंत्री भी उन्होंने लिया था, सुशांत और भगवान दास। तो इसी तरह से हमें लगता है वही होगा, बल्कि बिप्लब देव के जगह पे जो नया मुख्यमंत्री मानिक साहा है उनसे थोड़ा लोड कम करके रामपद जमातिया के पास और शायद नया मंत्री जो है उनके पास जाएगा, ये है परिस्थिति। और पिनाकी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जिष्णुदेव वर्मा कह रहे थे कि वे कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अब उनका नाम भी शामिल कर दिया गया है, क्या ये नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश के तहत ऐसा फैसला लिया गया? देखिए, जिष्णुदेव वर्मा एक सीनियर, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट नेता है बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी में अगर आप बोलेंगे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए 2018 से, पर
बीजेपी का आदि बीजेपी जो बोलते हैं, पुराने बीजेपी जो त्रिपुरा में बोलते हैं, तो उनमें से विष्णुदेव रॉय, हाँ उन्होंने गुस्सा ये भी था कि जिस तरह से वो फ्रंट रनर थे सीएम के दावेदार थे, तो उनका नाम पर आखिर में एक दिन पहले आप अगर याद रखेंगे तो विष्णुदेव वर्मा का बेटा को लेके एक वीडियो यहाँ पे वायरल हुआ था मीडिया में। हालांकि इसको लेके भी काफी चर्चा है कि कैसे ये वीडियो बाहर आया, और ये एलिगेशन है कि उनका बेटा ने पार्लियामेंट्री टीम के साथ कुछ झगड़ा हुआ है वो एक होटल के अंदर, पर इसका कोई सबूत नहीं है, किसी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, और कोई पार्लियामेंट्री टीम से कोई कंप्लेन भी नहीं है, एआईसीसी के सीनियर एआईसीसी से कोई कंप्लेन नहीं है। हम लोग ने ये कांग्रेस की यहाँ के जो स्पोक्स पर्सन उनसे भी हम लोग जानना चाहें, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम आ रहा था जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, पर ऐसा कुछ मिला ही नहीं हम लोगों को। तो विष्णुदेव वर्मा इसको लेके भी काफी गुस्सा थे कि उनका नाम को बदनाम करने का शायद कोशिश किया गया है, और कैसे ये वीडियो इस एक बड़ा होटल से कैसे निकला, अगर कौन इसके पीछे था, तो ये भी एक ये चीज था जिसको लेके भी विष्णुदेव वर्मा काफी गुस्से में थे और फ्रंट रनर में थे, पर उनके जगह पे अचानक मानिक शाह का नाम आया है। तो सब मिला के सिचुएशन ऐसा था, पर एक दिन कल जो नॉर्थ ईस्ट लाइव ने बात किया विष्णुदेव वर्मा, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ चर्चा नहीं हो ये बात सही है, पर हम डिसिप्लिन पार्टी है तो हम मानते हैं जिसको रखा गया मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उस तरह से देखा जाए तो विष्णुदेव वर्मा अभी काफी मैनेज हो चुके हैं, वो मान लिए हैं जो मुख्यमंत्री बनाया गया है उनको, और उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। पर आज जब तक वोट नहीं होता है तो कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि विष्णुदेव वर्मा के ऑफिस से भी वो चिट्ठी उन्होंने चिट्ठी उन्होंने हम लोगों को दिया कि उनको बुलाया गया है एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और उनका नाम तो था ही। तो आखिर में क्या होता है दैट ओनली वी कैन से, वो जब तक वोट नहीं लेते हम कुछ नहीं बता सकते। पर हाँ विष्णुदेव वर्मा ओवरऑल जो परिस्थिति था उससे वो खुश नहीं थे, वो क्लियर वो कैमरा में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बताया अभी है। जी पिना की एक और अहम बात यहाँ यह भी देखी जा रही है कि जितने भी पूर्व मंत्री हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं, क्या सभी को वही विभाग वापस से देने दिए जाने वाले हैं, क्योंकि क्या या फिर कोई फेरबदल यहाँ करने वाले हैं? नहीं, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या है कि अचानक ये परिवर्तन हुए मुख्यमंत्री में, पर डिपार्टमेंट चलाने के लिए एक मंत्री को अचानक अगर चेंज कर दिया जाता है तो उनको चलाने में और समझने में कैसे चलता है ये डिपार्टमेंट, उसमें काफी टाइम लग जाता है। और बीजेपी ये नहीं चाहेगा कि उनका जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रहा था वो बीच में रुक जाए, क्योंकि उनको इलेक्शन में पब्लिक को फेस करना है, और मंत्री अगर परिवर्तन हो जाता है तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि नए जो दो मंत्री अभी आने का बात चल रहा है, हमें जो लिस्ट मिला है, हालांकि वो हम लोग अभी तक वेरीफाइड नहीं कर पाए, पर उसके अनुसार अगर चलता है नया दो मंत्री होगा तो शायद कुछ मुख्यमंत्री नया मुख्यमंत्री और कुछ दूसरे मंत्री से कुछ डिपार्टमेंट उनके पास भी जा सकता है। पर ये तो स्वाभाविक है कि पुराने मंत्री जैसे चला रहे थे उसमें बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं था, इवन मुख्यमंत्री का जो पुराने विप्लव देव थे उनका जो डिपार्टमेंट चल रहा था उसको लेके कई आरोप नहीं था कहीं, पर अचानक क्यों चेंज हुआ मुख्यमंत्री, ये बड़ी सवाल है। ये समय ही बताएगा कि नया मुख्यमंत्री मानिक शाह कैसे चलाते हैं, और वो विप्लव देव का जो बोल रहे हैं कि उनका जो सपना है, उनका जो स्टेप लिए गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, वो सब वो कंटिन्यू करना चाहते हैं और विद इन टाइम वो खत्म करके पब्लिक के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आना चाहते हैं इलेक्शन से पहले। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पिनाकी हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। हम आगे भी हमारे बुलेटिन में इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबरें आपसे लेते रहेंगे।